से खोल के गिराते हैं, रॉकेट हो जाता हल्का और बहुत तेज भागने लगता है। समझिएगा, जो सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के करीब घूमते हैं उन्हें सर्कुलर पाथ पर घूमना पड़ता है, और जो दूर घूमते हैं उन्हें इलिप्टिकल पाथ पर घूमना पड़ता है। GSLV बाप है ससुरा सैटेलाइट सबका, उठा लेता है 2,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है, 3,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है। तो सैटेलाइट बनाना में ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है रॉकेट बनाने में, क्योंकि सैटेलाइट भारत ने 1975 में ही आर्यभट्ट बना लिया था, लेकिन खुद छोड़ नहीं पाए थे तो रूस को कहते, तो उसने अपने रॉकेट से छोड़ा था। तो हमारे पास PSLV बहुत भरोसेमंद सैटेलाइट है, यह रॉकेट है, यह अब तक 50 सफल अभियानों को कर चुका है, बहुत बेहतरीन है, मंगलयान से लेकर यह सबने बहुत बड़े बड़े सफल कारनामे किए। लेकिन इसके जगह पे कॉस्ट बचाने के लिए इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने नया नया बनाया था, और यह बहुत बेहतरीन था, इसने काम भी बहुत अच्छा किया। इसके देखेंगे तो इसके 4 स्टेजेस हैं, मेनली 3 स्टेजेस, सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है, इसके बारे में पहले समझते हैं। इसकी लंबाई 34 मीटर है, व्यास जो इसकी मोटाई है वो 2 मीटर है, 120 टन खुद इसका भार है, तो अपना भार है, लेके कितना जाएगा तो 500 केजी के सैटेलाइट को लेके चला जाएगा। आजकल 500 केजी में बहुत बेहतरीन बेहतरीन सैटेलाइट बन जाएंगे, 500 केजी के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही इजीली लेके जा सकता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी 30 करोड़ रुपए है, महज 30 करोड़, जबकि भारत अपना सैटेलाइट जब यूरोप वालों को देता है ना तो यूरोप वाले उस सैटेलाइट को छोड़ने का 500 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। ससुरा तुम्हें 500 करोड़ रुपया तुम फीस ले रहा है, हम लोग का 30 करोड़ का रॉकेट आ गया यहां पर, और ये महज 3 स्टेज का है, और एक वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल है, यानी टोटल 4 स्टेज का है। सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है सबसे बड़ा, तो ध्यान से समझते हैं इसके बारे में और डिटेल से। पहला स्टेज बहुत बड़ा है, और पहले स्टेज जो है वो 94 सेकंड तक जला, उसके बाद पहला स्टेज जो है वो इसको खोल के गिरा दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, जैसे खोल के गिराते हैं रॉकेट हो जाता है हल्का और बहुत तेज भागने लगता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि जैसे जैसे रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जाता है उसकी स्पीड क्या होती है, तो बढ़ते जाती है। रीजन दो है, एक ये अपने कुछ स्टेजेज को नीचे सेपरेट करके गिरा देता है जिसकी वजह से हल्का हो जाता है, दूसरा जितना पृथ्वी से दूर जाइएगा पृथ्वी की खींचने की अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है, तो एक तो शक्ति कम हो गई, दूसरा भार कम हो गया, इस वजह से तेज भागता है। दूसरा स्टेज जो था वो 113 सेकंड तक चला था, तीसरा स्टेज जो था वो 106 सेकंड तक चला था, यहां तक में कोई प्रॉब्लम आई थी चौथे स्टेज में। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये तीनों स्टेज में ना सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दीपावली के रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है ना बारूद, सॉलिड होता है वो एकदम ठोस होता है, बारूद भर दिया जाता है, वैसे इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया था, यानी बारूद भरा गया था। इसमें एक बार आग पकड़ लिया ना तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना ही आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो सॉलिड इंजन की एक खराबी, पावर तो तगड़ा देते हैं सब, लेकिन इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसरो कितना दिमाग लगाया, जब सीधे ऊपर भेजना था तो लगा दिया तीनों में सॉलिड इंजन, और ये सॉलिड इंजन जो होता है इसमें जो सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है HTPB, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेराइन, ये इसमें यूज होता है HTPB इंजन के रूप में, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये तो चौथा लास्ट स्टेज एकदम छोटा सा था, उसे महज 20 सेकंड के लिए बनाया गया था चौथे स्टेज को, उसका नाम होता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल VTM, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, यहीं से गड़बड़ चालू हो गया। इस ससुरा को चलना था चौथा स्टेज वाला को 20 सेकंड के लिए, चला 21 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए चला तो क्या हो गया कि ये सर्कुलर के जगह इलिप्टिकल पाथ पर चला गया, जाना चाहिए था गोल, चल गया अंडाकार में, क्योंकि इसका काम होता है स्पीड को बढ़ा घटा के पाथ को मेंटेन करना, जिस वजह से इसका डाटा लॉस हो गया और ये प्रशांत महासागर की ओर गिर जाएगा। यहां पर ये इलिप्टिकल नहीं हो पाया था यहां पे लास्ट स्टेज में। देखिए जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है वो इन सैटेलाइटों को लॉन्च करने के टाइम उनका एंगल डिसाइड करता है, किसको कितने एंगल पे छोड़ना है, मल्टीपल सैटेलाइट्स को कितने एंगल पे किसको कितना घुमाना है, यही पर डाटा लॉस हो गया। ये सारा चीज अपने समय सही से चल रहा था, यहां पे क्या हो गया, डाटा लॉस हो गया, 20 सेकंड के जगह पे 1 ही सेकंड फायर हुआ। इसका मतलब पूरा रॉकेट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ट्रिमिंग मॉड्यूल में दिक्कत है, एंगल गड़बड़ा दिया था। देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के करीब घूमते हैं उन्हें सर्कुलर पाथ पर घूमना पड़ता है, और जो दूर घूमते हैं उन्हें इलिप्टिकल पाथ पर घूमना पड़ता है। तो गलती से इसे जाना चाहिए था सर्कुलर पे, चल गया इलिप्टिकल पे, जिस वजह से ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया अपने ट्रिमिंग फेज में। इसलिए देखेंगे लास्ट फेज में बस ये 20 सेकंड के लिए यही बच गया था, जिस वजह से ये फेल कर गया था हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार फिर तैयार करेंगे। पहला लॉन्च जो था वो तो PSLV का भी फेल हो गया था,
पहला लॉन्च जीएसएलवी का भी फेल हो गया था, सचिन तेंदुलकर भी अपने पहले मैच में कहां कोई अच्छा परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आगे नहीं किए थे, बेहतरीन काम किया था इस सैटेलाइट ने, बट लास्ट में थोड़ी सी सेंसर खराबी की वजह से यह गड़बड़ हो गया था ट्रिमिंग के समय में। हालांकि इस रॉकेट ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्मन लाइन को पार कर गया था। कार्मन लाइन क्या होता है ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी से वह ऊंचाई जिसे आप अंतरिक्ष मानते हैं उस ऊंचाई को ही हम कार्मन लाइन कहते हैं। कार्मन लाइन के नीचे अंतरिक्ष, कार्बन लाइन के नीचे वायुमंडल यानी पृथ्वी, और इसके ऊपर अंतरिक्ष हो जाता है। इसे वैज्ञानिक कार्मन ने दिया था, उन्होंने कहा था कि यह 100 किलोमीटर है, लेकिन अभी इसे अप्रोक्स 80 से 83 किलोमीटर माना जाता है। कुछ देश इसे 80 मानते हैं, कुछ देश इसे 83 किलोमीटर मानते हैं। उसके ऊपर अंतरिक्ष चालू हो जाता है, यानी एक कार्बन लाइन हो जाता है। 1967 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि कार्बन लाइन से ऊपर का एरिया किसी देश का नहीं है, उसमें कोई भी जहाज कोई भी सैटेलाइट जा सकता है, और कार्बन लाइन के नीचे का एरिया उसी का है जिसके जस्ट नीचे वह देश है। यानी भारत अपने 80 यानी 83 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई भी मिसाइल जाएगा तो उसे अपने ऊपर खतरा मान के मार के गिरा देगा, कोई जहाज जाएगा तो उसे मार के गिरा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारा एरो स्पेस कितना होता है अपने क्षेत्र से 83 किलोमीटर, लेकिन समस्या यहां यह आती है कि कोई देश इसे 80 मानता है और कोई देश इसे 83 मानता है। तो जो 83 मानता है वो तो ऊपर ऊपर जाएगा। अब जिसे मान के चले भारत कहेगा कि हम 80 मानते हैं, हम भी क्या कहेगा 83 मानते हो, तू जाएगा अब भारत चल जाएगा किसी क्षेत्र में 80 में, कहेगा हम तो कार्बन लाइन के ऊपर है, तू कहेगा मार के गिरा देंगे, कहेगा एयरक्राफ्ट है ये। तो इसमें काफी असमंजस है, हालांकि इतनी ऊंचाई पे कोई जहाज जाते नहीं है समय यहाँ पे। तो कार्बन लाइन हमेशा याद रखिएगा, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह अंतरिक्ष वगैरह में जितने सेटेलाइट वगैरह रहते हैं कार्बन लाइन के ऊपर ही डाल दिए जाते हैं। इस तरह से जो सैटेलाइट घूमता है इसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट, ऊपर नीचे जो घूमता है ये पोलर सैटेलाइट। ये पोलर इसलिए कहते हैं कि ध्रुवीय सैटेलाइट, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर और नीचे दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो पोल का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सैटेलाइट, इसमें खर्चा कम आता है, ये सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते निगरानी कर लेते हैं। कैसे? ये तो ससुर सैटेलाइट वह ऊपर नीचे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी तो ऐसे ही से घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? तो पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी तो अलग अलग जगह का फोटो ले लेगा, जैसे अभी ये यहां का फोटो ले रहा है। पृथ्वी थोड़ा सा घूमेगी तो फिर थोड़ा और आगे का ले लेगा, पृथ्वी और घूमेगी तो थोड़ा और आगे का ले लेगा। इस तरह से आगे लेते लेते पृथ्वी के ये घूमने का डायरेक्शन, अभी इस सेटेलाइट का फोकस यहां पर है, अब इसे पृथ्वी घूमेगी तो थोड़ा और इधर होगा, ऐसे होगा। तो पोलर सेटेलाइट काफी सस्ते आते हैं और छोटे होते हैं, जबकि जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट होते हैं उस ससुरे इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनको छोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। हम लोग इसको छोड़ने के लिए जीएसएलवी रॉकेट रखे हैं, तो हमारे पास हर तरह के रॉकेट है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग अभी जो बनाए हैं एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सस्ते रॉकेटों को छोड़ देगा। पीएसएलवी थोड़ा और तगड़ा भेजेगा, जीएसएलवी बाप है ससुरा सैटेलाइट सबका, उठा लेता है 2,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है, 3,000 किलो का सैटेलाइट उठा लेता है। और जीएसएलवी मार्क 3 दादा है ससुराई, 5,000 किलोग्राम का सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में उड़ जाता है, तो ये बहुत खतरनाक है। तो हमारे पास हर तरह के सैटेलाइट है, हर तरह के जरूरत के हिसाब से हम लोगों ने इसे बना के रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई काम आने वाला है तो एसएसएलवी का काम आने वाला है, जो अभी हल्का सा फेल हुआ है, मतलब वो 98% सफल है, उसका एक सेंसर गड़बड़ हो गया था। एसएसएलवी की हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं समझिए ध्यान से। एक ससुरा ये 72 घंटा में रेडी हो जाता है, मतलब ये पार्ट बाई पार्ट बन के बना रहता है, इसे कसने के लिए केवल 72 घंटा चाहिए, तीन दिन में ये रेडी हो जाता है, और इसे केवल 6 आदमी मिलकर रेडी कर सकते हैं, और हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है, हर हफ्ते फटाफट 3 दिन में लॉन्च होगा, समय देख के मौसम ठीक है कि नहीं सब कुछ ठीक है लॉन्च कर देंगे, फिर हर हफ्ते इसे लॉन्च किया जा सकता है। महज 30 करोड़ में आता है, 30 करोड़ में, जबकि अगर आप स्पेस एक्स से सैटेलाइट छोड़वाते हैं तो 100 करोड़ तो खुद ही ले लेता है। यहां तो 30 करोड़ का पूरा रॉकेट वे है और खाली छोड़ने का 100 करोड़ ले लेता है। अब कोई देश वेट नहीं करेगा क्योंकि हर हफ्ते ये भेज सकता है, जबकि हमारे पास जो पीएसएलवी और जीएसएलवी है इनकी खराबी समझिए। एक तो ससुरे इनको रेडी करने में 3 महीना लग जाता है, और दूसरा ये सस्ते 30 करोड़ के नहीं 200 करोड़ के, और जीएसएलवी को तो रेडी करने में 4 महीना लग जाता है। यानी अगर किसी को सैटेलाइट से लॉन्च कराना है हमारे जीएसएलवी से तो 4 महीने की वेटिंग लिस्ट है। आपको किसी ट्रेन में 4 महीने का वेटिंग मिलेगा तब ट्रेनें छोड़ देंगे उसको, तो इसमें 3 महीना इसमें 4 महीना। इस ससुरा इसका खुद का खर्चा 400 करोड़ है, तो ये तो पैसा भी लेता है ज्यादा। इसी वजह से
आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर चीज छोटा होते जा रहा है। पहले शादी ब्याह में कैमरा करने वाला इतना बड़ा कैमरा लेके आता था, अभी नॉर्मल कैमरा आ गया है। तो हर चीज अब छोटी होती जा रही है, हल्की होती जा रही है और काम पहले से 5 गुना कर रही है। इसलिए अब भारी भरकम रॉकेट की जरूरत नहीं है, अब हम लोग छोटे रॉकेट से भी काम चला लेंगे, अब इतना भारी भरकम रॉकेट की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का मेन फोकस है SSLV पे और ये पूरी दुनिया में राज करेगा। और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा दिक्कत होगा किसको, तो SpaceX को, बहुत ज्यादा उसको सैटेलाइट छोड़ने की जरूरत है। तो हमारे यहां विदेशी ग्राहक बहुत आते हैं कि हमारा सैटेलाइट छोड़ दो क्योंकि आपका रॉकेट बहुत सस्ता है, हमें सस्ता पड़ता है। तो हम लोग के पास एक पहला लॉन्च पैड था केरल के थुम्बा में, उसका नाम था विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र। तो ये विक्रम साराभाई था, हालांकि हम सबसे ज्यादा यूज करते थे आंध्र प्रदेश में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में हम लोगों ने 2 लॉन्च पैड बना रखे थे, दो लॉन्च पैड बना रहे थे। इसी से GSLV को भी लाते थे, देखिए ब्लैक कलर का जो होता है वो GSLV होता है, रेड कलर का जो होता है वो PSLV होता है। तो इसी में एक में GSLV बना दिए, एक में PSLV। तो हमारे पास सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में एक और था, अभी हम लोग एक चेन्नई में और बना रहे हैं। चेन्नई में अभी इसमें प्लान चल रही है, जैसे हो जाएगा हम आपको बताएंगे, नीचे बनाया जा रहा है। तो हमारे पास टोटल अब 3 लॉन्च पैड होने वाले हैं, 2 तो पहले से थे, अभी नीचे वाले की जरूरत क्यों पड़ी इसको हम लोग अभी समझेंगे। लोग ध्यान से समझिए, पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो ऊपर से नीचे चक्कर लगाते हैं पोल पे, तो इन्हें छोड़ा भी जाता है उसी डायरेक्शन में। हम लोग के लिए समस्या समझिए, हम लोग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जब छोड़ते हैं तो बीच में ससुरा श्रीलंका चलाता है, तो बीच में श्रीलंका आ जाता है, इसलिए हमें पहले रॉकेट को ऐसे मनुवर करा के घुमाना पड़ता है और तब जाके इसको छोड़ते हैं हम लोग ऐसे, नहीं तो श्रीलंका के ऊपर गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जब आप किसी से मनुवर कराइएगा, उसको थोड़ा घुमाइएगा, तो ज्यादा ईंधन खाएगा, ज्यादा खतरा बना रहेगा घूमने के दौरान ठीक से घुमा कि नहीं घुमा। इसलिए भारत ने सोचा कि इसका झमेले खत्म कर देते हैं, जो हमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट छोड़ना है, जो पृथ्वी का इससे चक्कर लगाते हैं 36,000, उसको तो सीरियल यहीं से छोड़ेंगे, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यानी श्रीहरिकोटा से छोड़ेंगे। और जो पोलर छोड़ना है वो कहां से छोड़ देगा, नीचे से, क्योंकि जब नीचे यहां से छोड़िएगा तो श्रीलंका को इसे क्रॉस करा के फिर जाना पड़ता है, और यहां से छोड़ेगा कोई नहीं है, नीचे नीचे में कोई नहीं है, देखिए ध्यान से, नीचे से छोड़ेगा तो समुद्र में कोई नहीं है। इस वजह से हम लोग तमिलनाडु में एक तीसरा प्रक्षेपण केंद्र भी हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोग की इसरो का इतिहास बहुत मतलब दुखदाई रहा है, हम लोग के पास इतने कम पैसे थे जब इसरो की स्थापना हुई थी कि साइकिल से हम लोग लेके जाते थे लोग रॉकेट को यहाँ पे, साइकिल से देखिए पार्ट बाई पार्ट करके यहाँ पे, बैलगाड़ी से हम लोग ये सैटेलाइट को लेके आए थे लोग, और नारियल के पेड़ से बांध के साउंडिंग रॉकेट को छोड़ा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बहुत बहुत चीजों को देखा है, और ये जो लड़कियों ने जिस सैटेलाइट को बनाया उन बच्चियों से कहते हैं कि आप अपना कभी भी मनोबल छोटा मत कीजिएगा, हमारा उस सैटेलाइट से संपर्क टूटा है, कसम से कहते हैं हमारा संकल्प नहीं टूटा है, हमारा संकल्प आज भी जिंदा है, हम यहां से उठ के खड़े हुए हैं। इसरो जो आज इतने बड़े बड़े जो सैटेलाइट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हम लोग वही हैं जो साइकिल पे लेके घूमे थे। तो हमारा संपर्क टूट जाने से विरोधी हमारे पे हंसे नहीं, हम दृढ़ संकल्पित हैं लोग यहाँ पे, और भारत माँ की वो बेटियां एक दिन दिखाएंगी जब अंतरिक्ष में राज होगा वहां पर, ये सैटेलाइट यहाँ पे। और दुश्मनों को सरदर्द के लिए, जो लोग अभी PSLV से SSLV से डर रहे थे ना, सुनिए ध्यान से, GSLV तो बहुत पावरफुल है, ये है PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद है, अभी SSLV सही हो ही गया, अभी NSLV भी बन रहा है, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी एक किलो के सैटेलाइट को भी छोड़ देगा, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 5 करोड़ में। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेस्ला को, SpaceX को, क्योंकि SpaceX अपना एक स्टारलिंक प्रोग्राम बना रहा है, इसको अंतरिक्ष में बहुत सारे हजारों सैटेलाइट इसको छोड़ना है अंतरिक्ष में, और नैनो सैटेलाइट इन्हें छोड़ने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आता है एक नैनो सैटेलाइट में, हम लोग का सैटेलाइट हुए 5 करोड़ में, 2 को छोड़ देंगे एक के बार में, होलसेल में काम हो जाएगा। तो हम लोग अभी एक और बना रहे हैं NSLV नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए भारत जो है अपने 3 लॉन्च पैड बना रहा है, ताकि उसे 3 लॉन्च पैड की जरूरत भी है। तो हम लोग इस चीज को समझे यहाँ पर, ये बहुत भारी भरकम। एक चीज और गौर किए होंगे, जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो इसमें से ये कुछ कुछ टुकड़े गिरते हैं, एक्चुअली ये टुकड़े नहीं होते हैं, इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर पैड। जब सैटेलाइट खड़ा रहता है ना, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ईंधन, वो बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखना चाहिए, तो धूप लगेगा, एक दिन पहले ही टांग के रख देता है तो ठंडा, इसके सारी गर्मी निकल जाएगी, ठंडाहट खत्म हो जाएगी, इसलिए इसके बाहर में इंसुलेटर का पैड चिपका देता है, जहां जहां लिक्विड इंजन होता है वहां वहां इंसुलेटर का पैड लगा देता है। और जब ये सैटेलाइट ऊपर उठती है तो घर से यही बाहर गिरने लगता है। आई होप आप PSLV, GSLV, SSLV, NSLV समझे होंगे।